जम्मू कश्मीर के शोपिया में कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण शर्मा के कत्ल के बाद लोगों में काफी गुस्सा है। इस कत्ल के बाद घाटी में कई जगह पर एहतजाज भी हुए, तो वहीं अपोजिशन ने भी इस कत्ल के बाद सरकार पर हमला बोला है। महबूबा मुफ्ती ने घाटी में कश्मीरी पंडितों की सिक्योरिटी को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। घाटी में टारगेट की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि दहशतगर्द कभी गैर कश्मीरियों को तो कभी कश्मीरी पंडितों को अपना निशाना बनाते हैं। जुमे को शोपिया में दहशतगर्दों ने पूरन कृष्ण शर्मा नाम के कश्मीरी पंडित को गोली मार दी। गोली लगने के बाद पूरन कृष्ण को अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। इस हमले की जिम्मेदारी कश्मीर फ्रीडम फाइटर गुट यानी KFF ने ली है। इस हमले के बाद जहां परिवार सदमे में है और आज पूरन कृष्ण शर्मा की आखिरी रस्मात अदा की जा सकती है, वहीं बाकी लोगों में दहशतगर्दों के खिलाफ गुस्सा नजर आ रहा है। लोगों ने घाटी के कई इलाकों में दहशतगर्दों का पुतला फूंका और नारेबाजी की। सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार कश्मीर के अंदर हिंदुओं को सुरक्षित करने का काम करे। कहीं नॉर्मलसी नहीं दिख रही। आप देख लीजिए आज की घटना से ही कश्मीरी पंडित भाई यहाँ पर धरने पे हैं, केवल इसलिए कि उनको सुरक्षित किया जाए। वहीं अपोजिशन के लीडरों ने भी सरकार को निशाने पर लिया। महबूबा मुफ्ती ने मरकजी सरकार और LG पर निशाना साधते हुए कहा कि BJP सिर्फ सेना और कश्मीरी पंडितों का इस्तेमाल कर रही है। BJP नाकाम हो गई है। यहाँ के जो हमारे रहे कुछ कश्मीरी पंडित बचे हुए थे उनको हिफाजत देने में, और इतना ही नहीं बल्कि यही जमात अब निकलेगी, इनका जो खून है इसको पूरे इलेक्शन में बेचती है, उनसे वोट हासिल करती है। हालांकि अभी होम मिनिस्टर यहाँ आए जम्मू कश्मीर, उनके पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो 10 मिनट कश्मीरी पंडित जो पिछले 6 महीने से जम्मू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे बात करते, उनकी मुश्किलात सुनते और इसका कोई तरीकेकार निकालते कि वो किस तरह से उनको सेफ रखा जाए। साथ ही महबूबा ने कश्मीरी के मजहबी रहनुमाओं से आगे आने और लोगों से फिरका वाराना हम आहंगी में रहने और अकलेती समाज पर इस तरह की बर्बर हमलों को रोकने की भी अपील की है। बहुत अफसोस है, मेरी अपील होगी जितने भी हमारे मस्जिद के जो इमाम हैं और दूसरे मौलवी साहिबान से कि आप लोगों को समझाएं कि इकट्ठे रहें, भाईचारे को कायम दायम रखें, और इससे इस किस्म की हलाकतों से एक तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, हम जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, Zee मीडिया।